हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशी और अब आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर डीट प्लस वी एंड सी टेट के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड आईओएस डिवाइसेज पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम हिंदी का मॉक टेस्ट डीट प्लस बी के लिए, जो कि हमने पहले नहीं किया है। सी टेट के लिए अदर सब्जेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है, बट हिंदी हम पहली बार डीट प्लस बी के लिए डिस्कस करेंगे। सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं एक या दूसरे एग्जाम में, तो आपको इसका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। उसके साथ हमारा जो ये डिस्कशन रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। राइटिंग के साथ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बहुत दिन से आदत है नहीं हिंदी में लिखने की और व्हाइट पेज पर लिखने की, तो मैनेज करिएगा प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टा वर्ण का उच्चारण स्थान है, जो टा वर्ण है बेसिकली, इसका उच्चारण स्थान है कहाँ से बोला जाता है? दंत से, मतलब दांतों से आवाज आती है, मूर्धा से, तालु से, कंठ से या तालव्य, कंठ या तालव्य, है ना, कंठ तालव्य बेसिकली, कंठ और गले और तालव्य से। फटाफट से सोचें, बताएं आपके कितने नंबर आए इसमें। मूर्धा का इस्तेमाल होता है आपका टा वर्ण का उच्चारण करने में, या ऐसे जितने भी वर्ण हैं, टा ठा डा ढा ढा, इन सब में आपका मूर्धा का इस्तेमाल होता है। जो आपका मूर्धा मतलब आपका गले बेसिकली, जो आपके दांतों के आगे वाला पार्ट जो मूर्धा से लगता है, आपकी जीभ जब ऊपर लगती है उससे ये आवाज आती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड पर चलेंगे, श स स ह, ये चारों वर्ण कौन से वर्ण हैं, बेसिकली व्यंजन कौन से हैं? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श, संघर्षी या प्रकंपी, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं श स ह, ये चारों ही। और ऊष्म इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब आप इन्हें बोलते हैं तो एक गर्म हवा निकलती है बेसिकली, और घर्षण होता है थोड़ा सा। आप बोल के देखेंगे, जैसे श भी बोलेंगे तो आपको घर्षण भी महसूस होगा। थर्ड पर चलेंगे, इलायची का तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब कि एज इट इज, जो संस्कृत से एक्सेप्टेड है, संस्कृत से आपने अडॉप्ट कर लिए, अपना लिए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया वो तत्सम, जिनमें परिवर्तन कर लिया वो तद्भव। तो इलायची का तत्सम रूप, जो संस्कृत वाला रूप है, वो एला है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे, हल्दी का तत्सम रूप बताना है अब। हल्दी का हरदी, हव्य, हल, हरिद्रा कौन सा है? हरिद्रा है आपका हल्दी का तत्सम रूप। फिफ्थ पर चलेंगे, योगरूढ़ शब्द का शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के जो बने हैं और कुछ एक अलग ही मीनिंग दे रहे हैं, आप किसी और ही चीज से जानते हैं, बेसिकली किसी और चीज के लिए पेटेंटेड है, अगर मैं उस तरह से समझाऊं तो। पोला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक, तो यहाँ पर लंबोदर जो है वो एक योगरूढ़ है। लंबा प्लस उदर, मतलब लंबा है जिसका उदर, इस तरह से आप ले सकते हो। गणेश के लिए, श्री गणेश के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं, मतलब कि दो शब्दों से बना है, मीनिंग कुछ और है लेकिन आप इसे किसी और तरह से जानते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिक्स्थ पर चलेंगे, ग्लास नीचे गिरा और टूट गया, कौन सा सेंटेंस है ये, बेसिकली कौन सा प्रकार है? भरपूर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सरल वाक्य है, मिश्रित है, संयुक्त है या इनमें से कोई नहीं है। ग्लास नीचे गिरा और टूट गया, तो जहां पर भी और से जब ये कनेक्ट होता है तो ये संयुक्त वाक्य कहलाता है, जुड़ा हुआ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगा, वाक्य में कौन सा वाक्य है? मतलब यदि, एक तो यदि इफ वाली बात है कि यदि वर्षा रुक गई तो समय पर लौट आऊंगा, इच्छावाचक है, विस्मयावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है? फटाफट से सोचें, संकेतवाचक है कि भाई संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा रुक गई तो आ जाऊंगा, समय पर आ जाऊंगा, ठीक है, संकेत है एक, ठीक है। और विस्मयादि बोधक बेसिकली वो होते हैं विस्मयावाचक, जो आपका अलास टाइप्स, मतलब बेसिकली जिनके नीचे ये वाला जो साइन होता है, और ये देख सकते हैं आप। इच्छा में, इसमें इच्छा आपकी काम कर नहीं पाएगी, आप आना भी चाहें और वर्षा ना रुके तो नहीं आ पाएंगे, बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप जिस तरह से चाहें बना सकते हैं। एट्थ पर चलेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बहुत बार पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसमें भाव उत्पन्न होता है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। देखिए, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर मिठाई नहीं है, क्योंकि मिठाई आपकी एक बेसिकली वस्तुवाचक मान सकते हैं आप इसको। मिठाई क्या है? एक चीज है, बेसिकली एक मटेरियल है, ठीक है। इसमें मिठास जो है वो भाव होगा, तो जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नाइन्थ है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक जो एक पूरी जाति को जाति का एक पूरी सूचक है, कैलाश, काशी, गंगा, नदी, कौन सी है जातिवाचक, जो जाति को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, एक पूरी की पूरी जाति को। नदी है कि नदियों में बहुत सारी हो सकती हैं, गंगा हो सकती है, दुनिया भर की जितनी भी नदी हैं, लेकिन नदी शब्द क्या है, एक जाति को, एक पूरी एक कैटेगरी को कैटेगराइज कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टेंथ पर चलेंगे, भीतरी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भीतरी जो है ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? फटाफट से सोचें। देखो, इसमें आपको जाति का तो कुछ पता नहीं चल रहा, व्यक्तिवाचक भी कोई ये ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअलिस्टिक चीज है कोई, या समूह का भी आप इसमें क्या पता निकालेंगे कौन सा समूह है इसके अंदर।
भाववाचक संज्ञा है भीतरी। जब भी किसी भी वर्ड से भाव प्रकट होता है तो वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये कुछ 10 वर्ड थे इजी से जिनको हमने डिस्कस किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एक नया इनिशिएटिव है पसंद आया हो, तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट्स में हो सकता है, और इसी तरह से हम आगे इनको डिस्कस करते रहेंगे। आज पहली बार था तो कुछ और इम्प्रूव करना होगा, तो उसको और इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।